हेलो नीट चैंप्स, एनिमल किंगडम टॉपिक का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। बहुत से बच्चों को एनिमल किंगडम टॉपिक से बहुत डर लगता है और उन्हें घबराहट होती है कि पता नहीं कितने मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे। वेल, यहां पे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फाइलम से जुड़ी हुई नॉलेज अभी के अभी परख ली जाएगी। सवाल कुछ इस तरह है जी, मैच द आइटम्स इन द लिस्ट 1 with the items given in the list 2, मतलब match the following type of question है। List 1 में दिया हुआ है metamerism, canal system, comb plates, nidoblasts। List 2 में अलग अलग phylum के नाम दिए हैं, जैसे कि phylum Coelenterata, जिसे Cnidaria भी कहते हैं, phylum Ctenophora, phylum Annelida and phylum Porifera। So you have to choose the करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्या आंसर ए होगा, बी, सी या डी? सो हमें देखना होगा कि कॉलम 1 में दी गई कौन कौन सी आइटम्स कॉलम 2 में कहां कहां मैच हो रही हैं। अगर हम Coelenterata फाइलम की बात करें, Coelenteron रेफर्स टू देयर बॉडी कैविटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बिकॉज इट हेल्प्स इन डाइजेशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। Coelenterates ज्यादातर तो मैरीन होते हैं, फ्री स्विमिंग फॉर्म्स भी हैं, सेसाइल फॉर्म्स भी हैं, सिमेट्री इनमें रेडियल होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। Coelenterata वर्ड हमारे दिमाग में आते ही पॉलिप एंड मेड्यूसा वर्ड जरूर आता है। पॉलिप एंड मेड्यूसा आर टू ऑल्टरनेट फॉर्म्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ निडेरियंस। Coelenterates की एग्जाम्पल में हाइड्रा है, जेलीफिश है, ब्रेन कोरल है, राइट? Nidoblast, very very important cells, खास तरह के stinging cells हैं, डंक मारने वाले cells, जिनमें की एक poisonous chemical substance भी होता है, hypnotoxin, which paralyzes the prey. इनका काम क्या है Nidoblast का? Offense and defense, food capturing, anchorage, किसी चीज को पकड़ के रखना। तो ये जो Nidoblast है ना, ये important feature है Coelenterata का। अब बात आती है Ctenophora की। Exclusively marine animals हैं Ctenophorans, इन्हें commonly sea walnuts या comb jellies भी कहा जाता है। ज्यादातर features इनके Coelenterata जैसे हैं, readily symmetrical animals हैं, ये भी diploblastic हैं, hermaphrodite हैं, लेकिन reproduction exclusively sexual है, development indirect होती है, larval stage present है, और एक खास feature है bioluminescence, जुगनू की तरह चमकते हैं, यानी light production। Ctenoplana and Leuroborrachia common examples हैं। एक और खास फीचर है, 8 rows of ciliated comb plates। ये जो ciliated comb plates हैं ना, they are used for locomotion। इन्हें comb jellies भी कहा जाता है। So आपको ध्यान रखना है, comb plates Ctenophora का फीचर है। Annelida phylum का नाम सामने आते ही एक important feature, metamerism, right? Segmentation, the external segmentation coincides with internal segmentation। कुछ annelids parasites भी होते हैं, जैसे कि leech, Hirudinaria granulosa, free living भी होते हैं, जैसे कि neris है, earthworm है। annelids में जो symmetry है, bilateral है, वो triploblastic है। ये सबसे पहले coelomate animals हैं, इनमें organ system level of body organization पाया जाता है। So जब भी कभी metamerism का जिक्र होगा, ध्यान रखिएगा वो Annelida phylum को refer करता है, और Annelida में जो animals आते हैं, उन्हें commonly segmented animals कहा जाता है। Porifera, pore bearers, commonly called sponges, aquatic, mostly they are found in marine water, but there are some freshwater species also, जैसे कि Spongilla। Sedentary animals हैं, चल फिर नहीं सकते ये, they remain attached to a substratum, asymmetrical हैं ये, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडीज जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल्स। स्पॉन्जेस में खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें कोएनोसाइट्स कहते हैं या कॉलर्ड फ्लेजलेटेड सेल्स कहते हैं। कॉमन एग्जांपल है बाथ स्पॉन्ज, जैसे यू स्पॉन्ज या ऑफिसिनेलिस, साइकन एक और कॉमन एग्जांपल है, राइट जी? बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्पॉन्जेस का, प्रेजेंस ऑफ वॉटर कैनाल सिस्टम। दिस इज हेल्पिंग इन गैस एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, फीडिंग एंड इवन रिप्रोडक्शन। स्पॉन्जेस का स्केलेटन खास तरह के एलिमेंट से बना होता है, जिन्हें स्पिक्यूल्स कहते हैं, और इसके अलावा स्पॉन्जिन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। तो हमारा जो सवाल था, जहां पे हमें आइटम्स को मैच करना था, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन,
राइट, दैट मींस मेटामेरिज्म इज इन एनेलिडा, कैनाल सिस्टम इज इन पॉलीफेरा, कोम्ब प्लेट्स आर रिलेटेड टू टीनोफोरा एंड नाइडोब्लास्ट्स आर रिलेटेड टू फाइलम सीलेंटरेटा. आई होप यू एंजॉयड द क्वेश्चन. थैंक यू.